जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के बाद दिल्ली की एक अदालत ने भी तबलीगी जमात को निर्दोष करार दिया है। साकेत जिला कोर्ट में ट्रायल का सामना कर रहे तबलीगी जमात से जुड़े 8 लोगों को सोमवार 24 अगस्त को आरोप मुक्त कर दिया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, उनके खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है। आरोप मुक्त किए गए 8 लोगों में इंडोनेशिया से 2, किर्गिस्तान से 1, थाईलैंड से 2, नाइजीरिया से 1, कजाकिस्तान से 1 और जॉर्डन से 1 व्यक्ति हैं। मार्च महीने में निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम के बाद उन पर कोरोना वायरस फैलाने का ठीकरा देश के कुछ मीडिया चैनलों की ओर से फोड़ा गया था। तबलीगी पर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने और मशीनरी गतिविधियों में लिप्त होने और सरकार के कोरोना वायरस संक्रमण के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा 955 विदेशियों को आरोप पत्र सौंपा गया था। इनमें से बहुत से लोगों ने याचिकाएं दायर कर अपने देश लौट गए। हालांकि 44 लोगों ने दिल्ली में खुद के खिलाफ आरोप पत्र का सामना करने का फैसला किया था। अदालत बाकी के 36 लोगों को विदेशी अधिनियम की धारा 14 और आईपीसी की धारा 270 और 271 के तहत आरोप मुक्त कर चुकी है। हालांकि ये अभी भी महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत खुद पर लगे आरोपों का सामना कर रहे हैं। इधर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर ने 8 तबलीगियों को आरोप मुक्त करते हुए कहा, संपूर्ण चार्जशीट और संलग्न दस्तावेज उस अवधि के दौरान न तो उनकी उपस्थिति दिखाते हैं और न उनके मरकज के कार्यक्रम में भाग लेने के बारे में पता चलता है, क्योंकि कोर्ट ने आगे कहा कि जैसा आरोप है वैसा बताने के लिए रिकॉर्ड में कोई दस्तावेज भी नहीं है कि वह तबलीगी के काम में शामिल प्रतिभागियों में से एक थे। इसके पहले इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने भी सरकार, पुलिस और एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि तबलीगी जमात की वजह से भारत के समस्त मुसलमानों पर कोरोना फैलाने का आरोप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लगाया था। कोर्ट ने कहा कि जमातियों को बदनाम किया गया, जिसका सरकार, पुलिस और एजेंसियां पश्चाताप करें। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना मामले में तबलीगी जमात में विदेशों से आए जमातियों को बलि का बकरा बनाया गया और मीडिया ने सोची समझी साजिश के तहत तबलीगी जमात वालों को बदनाम किया। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR को रद्द करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि वीजा नियमों में यह कहीं नहीं लिखा है कि विदेशों से आने वाला किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकता और ना ही किसी सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। विदेश से आए जमाती जिन जिन शहरों में गए, उन्होंने अपने आमद की जानकारी उस शहर की पुलिस को दी। उन्होंने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। इस बात के तथ्य और सबूत मौजूद है कि हर शहर की पुलिस को पूरी जानकारी और सूचना थी कि विदेश से जमाती किस लिए आए हैं। उन्हें यह भी सूचना और जानकारी है कि इस मरकज में क्या होता है। वहां सब कुछ सार्वजनिक होता है और कोई भी जाकर वहां देख सकता है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मरकज में आए जमातियों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा बहुत बड़ा प्रचार अभियान चलाया गया। इससे यह संदेश गया कि भारत में COVID-19 फैलाने में विदेश से आए जमातियों का हाथ है। बता दें, दिल्ली में तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में कुछ विदेशी मुस्लिम आए थे, उन पर COVID-19 फैलाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का यह हथियार बन गया। बॉम्बे हाई कोर्ट और अब दिल्ली की एक अदालत द्वारा तबलीगी जमात को निर्दोष करार देने के बाद मीडिया चैनलों, पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार की काफी आलोचना हो रही है।